दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं ईस्ट इंडिया कंपनी से आज के एंटरप्रेन्योर क्या सीख सकते हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको कुछ हद तक हेल्पफुल होगा। देखिए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी से हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं। दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा मुद्दे पर आना चाहता हूँ। रिसर्च एंड एनालिसिस। जब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो उन्होंने यहाँ के कल्चर का बहुत ही अच्छे से स्टडी किया। वो जब बादशाह के पास ट्रेड की परमिशन लेने के लिए गए तो उन्होंने हिंदी में उर्दू में बात की। बादशाह इसे काफी इम्प्रेस हुए। वैसे उस समय जो बादशाह थे उनको पैसों की काफी जरूरत थी। तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि जब भी हम कोई बाहर देश में या फिर कोई दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ के डायस्पोरा का, वहाँ की सोसाइटी का, वहाँ के कल्चर का एक हमें एनालिसिस करना चाहिए। ये सबसे पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि उन्होंने क्या किया था कि इंग्लैंड में जो उनकी दुश्मन कंपनी थी, जो राइवलरी कंपनी थी, उन लोगों ने उनको ही अपने में मिला लिया। तो कंपटीशन उन्होंने ब्रिटेन में खत्म कर दी ताकि इंडिया में उन लोगों को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना ना पड़े। तो ये एक दूसरी बात हो गई। देखिए, प्रेजेंट कंटेंट में फेसबुक ने व्हाट्सएप को अपने में ले लिया है तो ये भी कहीं ना कहीं हमें दर्शाता है कि उन लोगों ने अपने इतिहास को भूला नहीं है। तीसरी बात हो गई उन लोगों के जो ओशियन रूट्स पर, जो ट्रांसपोर्टेशन पर जो अपनी पकड़ थी वो बहुत ही मजबूत थी एज कम्पेयर टू फ्रेंच डच। जब भी अंग्रेजों को निकाला जाता था तो वापस से आ जाते थे। उनका कारण क्या था? उनका कारण यही था कि उन लोगों की जो ट्रेड्स पर जो रूट्स होते हैं, ओशियन रूट्स, उनकी बहुत ही अच्छे से जानकारी थी। तो तीसरे पॉइंट से हमें ये सीखना है कि हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के रूट्स हैं वो बेहतर होने चाहिए, अच्छे से मालूम होने चाहिए। जैसे कि अगर आप रशिया में अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हाल ही में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर चर्चा हो रही है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रेजेंट डे पर कौन कौन से रूट्स हैं, कौन कौन से पोर्ट्स हैं। तो आपको इससे ये सीखने को मिलता है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन हमें मालूम होना चाहिए, कम से कम कॉस्ट पर होना चाहिए। जो चौथा जो पॉइंट है वो है डिसिप्लिन। अपने कंपनी में एक डिसिप्लिन होनी चाहिए। टाइम टू टाइम हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो सैलरी है वर्कर्स को वो टाइम टू टाइम आप दे दो ताकि आपके वर्कर्स आपकी कंपनी के प्रति लॉयल रहे। तो ये चौथा पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड और जो इनकम थी वो बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो लोग शेयर होल्डर को और अपने जो एम्प्लॉयर्स थे उनको टाइम टू टाइम सैलरी दिया करते थे ताकि कोई इंटरनल कंफ्लिक्ट पैदा ना हो। ये एक पॉइंट जो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जो पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, उन लोगों के पास दो तरीके की एक मैकेनिज्म थी। मतलब कि इंडिया में भी लीडर्स तो से थे ही, वॉरेन हेस्टिंग्स और ये सब, लेकिन इंग्लैंड में भी उन लोगों के कुछ एडवाइजर थे जो उन लोगों को गाइड करते थे। जबकि हमारे भारत में प्रॉब्लम क्या था कि हमारे पास एक्सीलेंट, ब्रिलियंट लीडर्स थे, जैसे कि शिवाजी महाराज, जैसे कि टीपू सुल्तान, ये सब बहुत ही ज्यादा लीडरशिप वाले लोग थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसे फ्रेंड्स नहीं थे, कोई ऐसे गाइडेंस देने वाले नहीं थे अपर लाइन में जो उनको गाइड कर सके। जबकि यहां पर क्या था कि दो तरीके की लाइन चलती थी, यहां भी लीडर्स थे और इंग्लैंड में भी लीडर्स थे। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें ऐसे टीचर्स को रखना चाहिए जो हमें गाइड कर सके। जब भी आप कोई मुसीबत में पड़ जाए बिजनेस में तो आपके पास ऐसे गुरु होने चाहिए जो आपको गाइड कर सके। वैसे कि अगर हम शिवाजी महाराज की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड ग्रेट लीडर्स, जिस तरीके से उनका माइंड स्टेबल रहता था शिवाजी महाराज का जब युद्ध लड़ते थे, तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर कंपनी के एनवायरमेंट में स्टेबिलिटी नहीं है तो आने वाले दिनों में कंफ्लिक्ट पैदा हो सकता है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या था कि स्टेबिलिटी थी इंग्लैंड में भी और यहां भी।
इस वजह से उन लोगों में इंटरनल कन्फ्लिक्ट बहुत ही कम होते थे। ये एक बहुत ही सोचने विचारने वाला एक सब्जेक्ट है कि कैसे स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाए। दोस्तों दूसरे पॉइंट्स है वो कुछ इस प्रकार से है कि उन लोगों ने अपनी जो रिक्रूटमेंट थी उनको एकदम ट्रांसपेरेंट किया था और स्किल के बेसिस पर वो वर्कर्स को हायर करते थे। उन्होंने कोई वंशानुगत मतलब कि हेरिडेटरी कोई वो रिक्रूटमेंट नहीं करते थे। तो ये एक बात हो गई कि स्किल को सबसे पहले हमें आगे रखना चाहिए। दोस्तों जो दूसरे कुछ पॉइंट्स है वो कुछ इस प्रकार से है कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप था, वो बहुत ही आगे की सोचते थे। जैसे कि मैं बात करूं तो उन लोगों के पास इतना ज्यादा फाइनेंशियल बैकअप था कि वो अब क्या करने लगे थे कि वहां से गोल्ड एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था। उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ के जो रेवेन्यू थे उन रेवेन्यू को कलेक्ट करके यहाँ से प्रोडक्ट खरीदते थे। रॉ मटेरियल इंग्लैंड में जाया जाता था वो रॉ मटेरियल, और वहां से प्रोडक्ट्स बन के वापिस से इधर आता था। तो इस तरीके से वो इंडिया को एक्सप्लॉइट करते थे। दोस्तों हमें पॉजिटिव पॉइंट्स पर फोकस करना है। देखिए उन लोगों की प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा थी। उन लोगों ने बादशाह के पास से 3000 में परमिशन ली थी, $50,000 का वो ट्रेड कर रहे थे। हालांकि ये जो ट्रेड है उसमें एक्सप्लॉयटेशन वो लोग करते थे, करप्शन भी करते थे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी ना हो, बेसिकली थोड़ा सा ज्यादा वर्चुअल बात है। एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर होता ही है जब प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है, लेकिन हमें मैक्सिमम ट्राई करना चाहिए कि मिनिमम इनपुट पर हम मैक्सिमम आउटपुट लें। लेबर प्रोडक्टिविटी, मटेरियल प्रोडक्टिविटी, ये सब इसी के कुछ कारण है। तो फिर दूसरे कुछ कारण है वो कुछ इस प्रकार से है कि मैंने आपको पहले बताया कि डिसिप्लिन। अभी क्या था कि डिसिप्लिन से लोग काम करते थे, इसलिए गांधी जी ने सोचा कि हम भी डिसिप्लिन से ही लड़ेंगे। अहिंसा एक डिसिप्लिन का एक पार्ट है। ऐसे जो भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, वो सब भी काफी डिसिप्लिन में रहे होंगे, इसलिए तो वो लीडर बने। बिना डिसिप्लिन में, बिना स्टेबिलिटी हासिल किए कोई लीडर नहीं बन सकता। लीडर्स वो होते हैं जो प्रोग्रेसिव एडवांस कम्युनिटी को डेवलप कर सके। भगत सिंह, गांधी जी, ये सब ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने प्रोग्रेसिव एडवांस कम्युनिटी को डेवलप किया, और ये सब स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन के कारण ही हो सकता है। जैसे कि भगत सिंह ने जो संसद पे जो बॉम्ब ब्लास्ट किया था, वहां पर किसी को जान से हाथ धोना नहीं पड़ा था। उन्होंने ऐसी जगह पर बॉम्ब फेंका जहां पर कोई रहा नहीं, जहां पर कोई था नहीं। इससे हमें पता चलता है कि उनकी जो डिसिप्लिन थी, जो कमिटमेंट थी अपने प्लान के प्रति, वो बहुत ही ज्यादा थी। और अपने प्लान, अपनी स्ट्रेटजी को हमने बार बार बदलना नहीं चाहिए। तो ये एक पॉइंट हो गया। सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि रिलीजियस टॉलरेंस। ब्रिटिश सभी धर्मों की शुरुआत में इज्जत करते हैं। क्या बोला मैंने? शुरुआत में। हालांकि बाद में जब उन्होंने यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन हासिल कर लिया, तब उन्होंने इनडायरेक्टली बहुत ही ज्यादा क्रिश्चियन मिशनरीज को प्रमोट किया, लेकिन बाद में। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे वर्किंग कल्चर में, कॉरपोरेट के कल्चर में, रिलीजियस को ज्यादा प्रावधान नहीं देना चाहिए। कितने हिंदू है, कितने मुसलमान है, कितने जैन है, नहीं। जो स्किल्स है जिन लोगों के पास, उसको पहला मौका देना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।